Unit 5. Read and enjoy this poem. पढ़ो और इस कहानी का आनंद लो. Jew manners. चिड़िया घर का तरीका. Manner means तरीका या फिर व्यवहार. Jew means चिड़िया घर. Be careful what you say or do. सावधानी से आप चिड़िया घर में कहे और करे. When you visit the animals at the zoo. जब आप जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाएं. Don't make fun of the camel's hump. ऊंट के उठे कुबड़ का मजाक ना बनाएं. ऊंट का उठा कुबड़ ये होता है, ये जो इस तरह से उठा हुआ रहता है. Camel's hump means ऊंट का कुबड़. He is very proud of his noble bump. वह अपने विशेष कुबड़ पर गर्व करता है. Proud means गर्व करना. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. बनमानुष को देखकर अत्यधिक नहीं हंसे. वह सोचता है वह भी बुद्धिमान उतना ही है जितना आप और मैं. Wise means बुद्धिमान या फिर तेज. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. और पेंगुइन जब अकड़कर झील के पास चलता है वह समझ सकता है जो आप कहोगे. लेक मीन्स झील. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़कर चलना. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. उसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसे वे तुम्हारे साथ करते हैं. एंड यू शैल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू. और आपका हमेशा चिड़ियाघर में स्वागत होगा. न्यू वर्ड्स मीन्स नए शब्द. प्राउड मीन्स गर्व या फिर अभिमान. नोबल मीन्स विशेष या फिर ईमानदार. वाइज मीन्स बुद्धिमान या फिर अकलमंद. पेंगुइन मीन्स पेंगुइन जो कि अंटार्कटिका में समुद्री पक्षी होता है, ये रहे पेंगुइन. ये है होते हैं पेंगुइन. ये है स्ट्रटिंग मीन्स अकड़कर चलना. रिमार्क्स मीन्स टिप्पणी करना या फिर कहना लिखना. रीडिंग इज फन. पढ़ाई एक मस्ती है. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट डू यू सी एट द ज़ू. चिड़ियाघर में आप क्या देखते हैं. आंसर होगा व्हेन आई विजिट द ज़ू आई सी कैमल चिंपैंजी बियर हिप्पोपोटामस स्नेक डियर एंड अदर एनिमल्स. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक. मतलब ऊंट के पीठ पर क्या होता है. कैमल मीन्स ऊंट. आंसर होगा The camel has a hump on its back. Let's talk. चलो बात करें. First number question है Have you been to a zoo? क्या आप चिड़ियाघर गए हैं. अगर आप गए हो तो answer होगा Yes, I visited the zoo. Second number question है Name the animals which you have seen in a zoo. उन जानवरों का नाम बताएं जिसे आपने चिड़ियाघर में देखा है. Say the names in your own language and then in English. पहले आप अपनी भाषा में उनका नाम लें उसके बाद इंग्लिश में. तो इसका आप खुद से आंसर देंगे. थर्ड नंबर है Name the animal you liked the most. Why?
उन जानवर का नाम लिखें जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? आंसर होगा आई लाइक मंकी बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टेल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? क्या आपने चिड़ियाघर में किसी जानवर को खाना दिया है? शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें जानवरों को चिढ़ाना चाहिए या फिर परेशान करना चाहिए? आंसर होगा नो आई डिड नॉट फीड एनी एनिमल्स एट द जू। नो वी शुड नॉट टीज एनी एनिमल्स। लेट्स लिसन, चलो सुने। कह रहा है लिसन एंड पुट अ टिक राइट अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। सुने और उस शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाए। शब्द को टीचर के कहने पर टिक लगाए। ये आप खुद से करें या फिर अपने स्कूल में टीचर के करवाने पे करें। से अलाउड, जोर से कहे। बम्प, बम्प मीन्स घुमड़ा। हम्प मीन्स ऊंट या फिर बैल के पीठ पर जो कुबड़ होता है इस तरह से। डंप, डंप मीन्स वस्तु से पीछा छुड़ाना। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। क्राव, क्राव मीन्स कौवा। क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। क्लाव, क्लाव मीन्स पंजा या फिर पशु का पंजा। नॉइज, नॉइज मीन्स शोर या फिर आवाज। प्राइज, प्राइज मीन्स पुरस्कार। साइज, साइज मीन्स आकार। पाई, पाई मीन्स पाई। फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स उड़ना। लेट्स सिंग एंड एक्ट। चलो गाए और एक्टिंग करें। क्या एक्टिंग करना है? तो द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट। हाथी चलता है जैसे यह और वह। ही इज सो टॉल एंड सो फैट। वह बहुत लंबा है और बहुत मोटा। ही हैज नो फिंगर्स ही हैज सम टोज। बट ओह माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज। उसे कुछ उंगली नहीं है उसे कुछ अंगूठा है। परंतु वह मेरा किस्मत कितना बड़ा नाक है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। वाक्य बनाए दिस और दैट का उपयोग करके। हो जाएगा पहला फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर है दिस इज एन अम्ब्रेला। सेकंड है दैट इज अ बॉल। थर्ड नंबर है दिस इज एन एलिफेंट। फोर्थ नंबर है दैट इज न्यू बकेट। बकेट मीन्स क्या होता है? तो बाल्टी। फाइव नंबर दिस लैम्प इज ओल्ड दैट इज स्मॉल मैट। नेक्स्ट है लेट्स राइट, चलो लिखे। ए विजिट टू माई विलेज, मेरे गांव का दौरा या फिर मेरे गांव में घूमना। विजिट मीन्स दौरा या फिर घूमना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के शब्दों से खाली स्थान को भरे। क्या हो जाएगा? इन जून वी वेंट टू ए विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। शी हैज़ अ फार्म। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स। देयर आर टू हॉर्सेस, अ कैट विथ इट्स किटेंस, थ्री डॉग्स, वन हैन एज वेल एज अ कॉक एंड अ काव। एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे और मिल्क। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म। नेक्स्ट है कंपोजिशन कॉर्नर।
Look at the picture and fill in the blanks. फोटो को देखें और खाली स्थान को भरें. क्या हो जाएगा? क्या है पिक्चर में? फ्लावर है, बीज है. दिस इज अ बी. यह एक मधुमक्खी है. इट हैज लाइंस ऑन इट्स विंग्स. इसके पंख पर लाइन है. इट हैज टू एंटीनास. इसके दो एंटीना हैं. ये रहे एंटीना इसके. इट बजेज राउंड द फ्लावर्स. यह फूलों के इर्द गिर्द भिन भिनाते हैं. इट बज्ड एंड कैम टू द जू. यह भिन भिनाते चिड़ियाघर आ जाते हैं. लेट्स डू. चलो करें. हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. मधुमक्खी को उसके घर तक पहुंचाने में सहायता करें. व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मीट ऑन द वे दैट राइम विथ बी. वह कौन सी वस्तुएं हैं जो उसे रास्ते में मिलते हैं और उसका नाम बी से मिलता है. चलो देखते हैं. ये बी यहाँ से चली. यहाँ पे किस से मिले? तो पी से. पी मीन्स मटर. पी बी से मैच हो रहा है. फिर आगे गई तो मिले ट्री से. ट्री भी बी से मैच हो रहा है. ट्री मीन्स क्या होता है? तो पेड़. फिर आगे गई और मिली की से. की मीन्स चाबी होता है. फिर आगे गई और फिर मिली यहाँ पे टी से. टी मीन्स चाय. और ये अपने घर को पहुँच गई. टी मीन्स क्या होता है? चाय या फिर चाय का प्याला. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तस्वीरों को देखे और खाली स्थान को भरे. ये कौन सी तस्वीर है? तो लायन, टाइगर, उल्फ, डियर, जैकल, आउल, मंकी, बियर, चिंपैंजी, लास्ट जिराफ. नेक्स्ट है लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक. आइए जानवरों की आवाज़ निकालते हैं. ये खुद से करे. रोअर लाइक अ लायन. शेर की तरह दहाड़ लगाए. ने लाइक ए हॉर्स. घोड़े की तरह हिनहिनाए. क्वैक लाइक अ डक. बत्तख की तरह क्वैक क्वैक करे. ब्लेट लाइक ए गोट. बकरी की तरह मेमे करे. ग्रंट लाइक अ पिग. सुअर की तरह गुड़गुड़ाए. बार्क लाइक ए डॉग. कुत्ते की तरह भौंके. मू लाइक ए कॉ. गाय की तरह रंभाए. चिर्प लाइक अ स्पैरो. गोरैया की तरह चहके. चैटर लाइक अ मंकी. बंदर की तरह किटकिटाए. हिस लाइक अ स्नैक. सांप की तरह फुफकारे. तो ये सारे वॉइस आप खुद से निकालेंगे, खुद से करेंगे. नेक्स्ट है ज्वाइन द डॉट्स कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स. इस तरह से ज्वाइंट को डॉट को ज्वाइंट करना है और कंप्लीट होने पे जानवर का नाम लिखना है. तो ये आप खुद से डॉट को मिलाएंगे. मिला कंप्लीट जब ये हो जाएगा तो इसके कौन सा जानवर बनेगा? तो डायनासोर जो कि विलुप्त हो चुका है. नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस. चलो अभ्यास करें. ओन ओन ओन. तो इन सब डॉट्स को आपको मिलाना है इस तरह से. इस तरह से सभी को अच्छे से
इस तरह से सभी को अच्छे से करेंगे अब अभ्यास अपने बुक पे। हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है।